पिताजी देखिए हमारे घर कौन आया है। कैसे हो नरसिम्हा जी? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आप हैदराबाद से कब लौटे? बैठिए बैठिए। मैं कल आया। अरे हरीश। हाँ पिताजी। मेरा बेटा हरीश ये तो सचमुच बड़ा हो गया। नमस्ते। हाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और हैदराबाद में से बड़ी नौकरी मिली है। बधाई हो, तुमने कड़ी मेहनत की और उसका अच्छा परिणाम मिला। ये सब मेरे पिताजी के कारण हुआ है। उन्होंने बिना परेशान हुए मेरी शिक्षा पे खूब पैसे खर्च किए। इसमें मैंने क्या किया है? जमीन पे भरोसा रखते हुए मैंने सिर्फ अपने बेटे को शिक्षित किया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे पिताजी ने एक बहुत ही ठोस बुनियाद रखी। नरसिम्हा जी, मुझे तो इसमें किसान की बहुत बड़ी जीत दिखाई दे रही है। काफी लंबे समय बाद दूर दराज के गांव में मुझे एक संपूर्ण किसान नजर आ रहा है, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस गांव में मेरा परिवार ही नहीं, प्रत्येक किसान का परिवार भी इसी तरह खुश है। इन दिनों तो खेती बाड़ी को बेकार माना जाता है, फिर ये विकास कैसे संभव हुआ? खेती बाड़ी व्यवसाय अशुभ है, ये आजकल की बात नहीं है, ये हमारे दौर से चला आ रहा है। तो इस परिस्थिति में ये बदलाव कैसे संभव हुआ? उन दिनों हमने बहुत संघर्ष किया, हमारे पास खेती के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। कहते हैं कि अच्छी फसल आसानी से नहीं उगती, किसान जितनी मेहनत करेगा फसल उतनी भरपूर उगेगी, ये सिद्धांत स्थापित किया है श्री विश्वनाथ रेड्डी जी ने। मुल्कानूर गांव में जन्मे श्री अलगी रेड्डी काशी विश्वनाथ रेड्डी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा वारंगल में हासिल की, जबकि हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय वे स्वाधीनता संघर्ष की तरफ आकर्षित हुए तथा इसलिए वे आजादी के आंदोलन में शामिल हो गए। आजादी के बाद अपने गृह नगर में बस गए, लेकिन राष्ट्र सेवा करने की अपनी इच्छा की अनदेखी नहीं कर सके। इस बीच अपने गांव में वंचित एवं दबे कुचले किसानों को देखकर वे बहुत चिंतित हुए। कुछ करने के उत्साह में वे कभी नहीं सो सके और उस समय उनके मन में विचार जन्मा जो अब हमारे सामने मुल्कानूर सहकारी बैंक के रूप में मौजूद है। इस तरह वे उस सहकारी संस्था में सदस्य के रूप में हमारा साथ देने आ गए, और तो और फसल के लिए उन्होंने हमें ऋण भी दिए। ना सिर्फ ऋण ही दिए बल्कि हमें उन्होंने बड़ी तादाद में बीज, उर्वरक और कीटनाशक भी दिए। किसानों का साथ बीच में ना छोड़कर उन्होंने फसल की हर अवस्था में समर्थन दिया। बैंक ने कुएं डिजाइन करने, कृषि के लिए इच्छित पंप सेट खरीदने, पाइपलाइन, कृषि आदान खरीदने, ट्रैक्टर, मशीनें इत्यादि के लिए ऋण दिए। सिर्फ यही नहीं, बंजर भूमि से फसल की खेती, बीज बोने के दिन से आखिरी तक बैंक ने ऋण से किसानों की मदद की। बैंक ने पैसे के समानांतर फसल के जरिए अपना ऋण चुकाने की सुविधा दी। कृषि ऋण के अतिरिक्त बैंक ने पशु, बकरियों, पोल्ट्री फार्म इत्यादि खरीदने के लिए भी ऋण दिए। इसलिए 1976 में बैंक का दौरा करने आए योजना आयोग के अध्यक्ष ने बैंक के कार्यों की सराहना की तथा कहा, ये मुल्क नूर नहीं है, ये मुल्क का नूर है। विश्वनाथ रेड्डी जी के बाद उसी भावना को जारी रखते हुए उनके पुत्र श्री प्रवीण रेड्डी जी ने बैंक की सेवाओं का विस्तार किया और आधुनिकरण किया। इस प्रकार उन्होंने सहकारी संस्था के सदस्यों को लाभ पहुंचाया। किसान तो राजा है, इसे सत्य बनाने के लिए मुल्कानूर सहकारी बैंक पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के जरिए हमेशा किसानों की सहायता करता है। आरंभ में मुल्कानूर सहकारी बैंक के उदय के समय उसके 372 सदस्य थे, लेकिन अब 7,500 सदस्यों के साथ 185 करोड़ रुपए के बजट का
मुल्कनूर सहकारी बैंक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आज 120 लोग प्रत्यक्ष रूप से और 300 से 400 अप्रत्यक्ष रूप से मुल्कनूर सहकारी संस्था में काम करते हैं और इसलिए इस तरह कदम दर कदम योजना बनाने और कार्यान्वयन के जरिए मुल्कनूर सहकारी संस्था अब एक बहुत बड़ी हो चुकी है। दूर दराज के गांव से आने के नाते मैं मुल्कनूर सहकारी बैंक की उपलब्धियों को देखकर काफी आश्चर्यचकित हूँ। ये बैंक के सिद्धांतों के कारण संभव हुआ है। आप मेरे साथ आइए, आप बेहतर ढंग से जान जाएंगे। ये हमारी संस्था का गोदाम है। आइए। यहाँ उर्वरकों की कमी है। संस्था ने अपने प्रत्येक सदस्य गांव में गोदाम बनाए जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि के ढेर सारे भंडार हैं। आइए। सिर्फ यही नहीं, गांव में उगी फसल को महत्व दिया जाता है और उसे गांव के गोदाम में रखा जाता है। इससे किसानों के लिए परिवहन और श्रम प्रभार में कमी होती है। प्रत्येक गांव में बैंक ने गोदाम को दुरुस्त रखने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया है। कृषि की आधुनिक तकनीकों, खेतों के दौरों, मिट्टी की जांच इत्यादि संबंधी कृषि के पेशेवर लोगों के जरिए संस्था के सदस्यों का प्रशिक्षण बैंक की नियमित गतिविधियां हैं। बैंक ने अपने परिसर के आसपास किसान प्रशिक्षण और सूचना केंद्र भी स्थापित किए हैं। इन सभी को देखने के बाद मैं एक बार बैंक देखना चाहता हूँ। तो इंतजार किस बात का, आइए चले। हाँ चलिए। हमें अपनी फसल बेचने के लिए दलालों के आसपास मंडराने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा बैंक नियमित बाजार मूल पर हमारी फसल सीधे खरीदता है। संस्था के सदस्यों से न सिर्फ चावल और कपास की फसल को खरीदकर, बल्कि बैंक अपनी स्थापित कपास पिनने की मिल के जरिए कपास की श्रेणी बनाता है और विपणन करता है। इसी तरह बैंक अपनी स्थापित पैरा बॉयल चावल मिल के जरिए धान से चावल निकालता है और बाद में उसे बाजार में बेचता है। इन उत्पादों को बेचने से हुआ लाभ बोनस के रूप में किसानों में बांट दिया जाता है। बैंक अपने जरिए स्थापित बीज कारखाना बहुत कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराकर किसानों को फायदा उपलब्ध करा रहा है। इस बैंक के कामकाज से अन्य सहकारी संस्था की स्थापना का बल मिला। अच्छा। बैंक के पंजीकृत सदस्यों के सभी महिला समूह ने मुल्कनूर महिला सहकारी संस्था शुरू की। उसके पशुओं का दूध सिर्फ इस डेयरी को बाजार भाव में बेचा गया। बैंक ने सभी गतिविधियों में डेयरी का समर्थन किया क्योंकि इससे किसान के परिवार लाभ उठा रहे हैं। ये तो आश्चर्य की बात है शंकरैया। सिर्फ यही नहीं, हमारा बैंक LIC के सहयोग से न सिर्फ फसलों के लिए बीमा उपलब्ध करा रहा है बल्कि फसल ऋण भी देता है। बीमा के लिए प्रीमियम की राशि सदस्यों को देनी नहीं पड़ती बल्कि बैंक हमारे खाते में लाभ की कुछ राशि बचाता है और राशि के ब्याज से बैंक प्रीमियम का भुगतान करता है। फसल के लिए और फसल ऋण ही नहीं बल्कि सदस्य को संस्था के जरिए खरीदे गए पशु और बकरियों के लिए भी बैंक बीमा सुविधा देता है। इस बीमे के अतिरिक्त बैंक गांवों में पशु चिकित्सा शिविर भी आयोजित करता है। संस्था के सदस्यों को जनता दुर्घटना पॉलिसी का भी लाभ मिलता है। बीमा राशि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बैंक के चक्कर काटने नहीं पड़ते बल्कि बैंक कर्मचारी राशि की गणना करते हैं और सभी पुष्टि करने के बाद बीमा राशि किसानों को दे दी जाती है। बैंक सहकारी कल्याण गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसने शैक्षिक संस्थाएं भी स्थापित की हैं, छात्रवृत्तियां दी हैं और शिक्षा ऋण दिया है जिससे उनके परिवार के सदस्य लाभ उठाते हैं। सिर्फ यही नहीं, बैंक विवाह समारोहों, वाटर शेड उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने, किसी के बीमार होने पर चिकित्सा खर्च का भुगतान करने, सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाओं, वृद्धावस्था पेंशन तथा अंतिम संस्कार के लिए ऋण देकर सहकारी संस्था में परिवारों का समर्थन करता है।
बैंक अपने सदस्यों की दैनिक जरूरतों के लिए पेट्रोल बंक और एलपीजी गैस स्टेशन भी चलाता है। ये सभी गतिविधियाँ मुल्कनूर बैंक को सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में जिम्मेदार हैसियत प्रदान करती हैं। ये मुल्कनूर सहकारी ग्रामीण बैंक ऐसा स्वर्ग है जिसने साथ मिलकर काम करके ये मुकाम हासिल किया है। ये बैंक लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के जरिए के सिद्धांत पर बना है, जो लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ है, और यही मुल्कनूर बैंक की ऊर्जा है। बैंक की विजय ज्योति इसके सभी सदस्यों के कारण करीमनगर जिले के भीमा देवरापल्ली मंडल में 14 गांवों में जल रही है। मुल्कनूर बैंक एक के जरिए शुरू किया गया था, धीरे धीरे ताकतवर बना और अब ऐसी प्रणाली है जो सभी सहकारी ग्रामीण बैंकों का ताज है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतम गमय। इन सब को देखकर बैंक की प्रेरणा के साथ देश भर में फैलाया जाए तो गांधी जी का ग्राम स्वराज सपना साकार करना निसंदेह पूरा हो जाएगा।